हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका 13.2 का फिफ्थ सम है। तो हमें एक पिलर दिया है, उसका बेस रेडियस 50 डायमीटर 50 सेंटीमीटर है। डायमीटर जो है वो सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 3.5 मीटर है। यानी कि ये हाइट 3.5 है और डायमीटर जो है वो 50 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.5 मीटर इक्वल टू 0.5 मीटर। तो हमने इसका कर्व सबसे ये निकालना है, वो होता है पाई डी एच। ठीक है, इसका बटा 10 लग गया, इसका बटा 10 लग गया, 7 by 35 पाई टू का 10 और कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग एट द रेट ऑफ रुपीज 1250 होगी 5.5 मल्टीप्लाई 12.5। ठीक है, 12.5 को 5.5 से करेंगे तो 68.75। तो ये आपका फिफ्थ सम है। ठीक है, इसमें रेडियस ये होगा बेस का और हाइट की हुई है, तो हमने पाई डी एच का फार्मूला लगा दिया है।